नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। मैं हूं संध्या आपके साथ। फरार शूटर अब्दुल कवि का जेसीबी से ढहाया गया मकान, खबर विस्तार से। राज्यपाल हत्याकांड के फरार शूटर अब्दुल कवि का मकान प्रशासन ने पोकलैंड व जेसीबी से ढहा दिया है। एडीएम पुलिस व पीएससी के साथ शराय आकिल के बखंदा पहुंचे तो हड़कंप मच गया। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई, देर तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अब्दुल कवि के घर से असलहों का जखीरा भी बरामद किया है। 25 जनवरी वर्ष 2005 में प्रयागराज के शहर पश्चिमी के विधायक रहे राजूपाल की गोलियों से सरेआम भून कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी। कई आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन घटना में शामिल रहा सातिर शूटर अब्दुल कवि पुलिस के हाथ नहीं लगा था। वह 14 साल से लगातार फरार है। उस पर पुलिस विभाग ने इनाम भी घोषित कर रखा है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल व उसके दो सरकारी गनर की हत्या होने के बाद पुलिस ने इस आरोपी की तलाश तेज कर दी है। उमेश पाल हत्याकांड में भी इसकी भूमिका की बात कही जा रही है। एडीएम जयचंद पांडे पुलिस फोर्स व पीएससी के साथ गांव पहुंचे। पोकलैंड व जेसीबी से अब्दुल कवि का मकान ढहा दिया गया। फोर्स गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात रही। इस दौरान पुलिस ने अब्दुल कवि के घर से अवैध असलहे भी बरामद किए हैं। तमंचा देखने के लिए